स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर टेक यारी पर। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है जैसे हम कोई वीडियो देख रहे होते हैं। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, मैं सॉन्ग्स में गया और मैंने ये वीडियो देखा VLC प्लेयर पे, और इसको मैंने कट कर दिया है। लेकिन देखिए, यहाँ VLC प्लेयर पे अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये आ जाता है सबसे ऊपर। तो ये से पता चल जाता है, अगर कोई हमारा कंप्यूटर खोले तो उससे ये पता चल जाएगा कि हमने कौन सा वीडियो देखे हैं अभी तक। तो इसको हटाने का बहुत ही सिंपल तरीका है, या तो यहाँ से ऐसे करें रिमूव फ्रॉम लिस्ट, ऐसे करके सारे ऐसे हटाते रहें। लेकिन इन सबको इकट्ठे हटाने का एक बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है सी क्लीनर। ये देखिए, मैंने सी क्लीनर को ऑन कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पे रन क्लीनर पर क्लिक कर दीजिए, और वो देख ये देखिए, ये सब कुछ मिटा देगा। ये आपकी इंटरनेट हिस्ट्री, VLC प्लेयर की हिस्ट्री, आप कितने जो पिछले फोल्डर खोले थे उसकी हिस्ट्री सब मिटा देगा। इसमें भी दोस्तों, इसके ऑप्शंस में जाके देखिए, यहाँ पे हम यहाँ से इसके बाद ये सेटिंग्स में जाते हैं तो हम ये भी यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं कि जब कंप्यूटर स्टार्ट हो तो अपने आप ही क्लीनर रन हो जाए। बाय चांस अगर हम भूल जाते हैं सी क्लीनर रन करना कोई ऐसा वीडियो देखने के बाद, तो जैसे जब वो कंप्यूटर ऑन करेगा कोई दूसरी बार तो ये सी क्लीनर अपने आप चालू हो जाएगा और किसी को भी नहीं पता चलेगा आपने कौन सा वीडियो देखा, कौन सी साइट देखी। इसे आप बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। बस आपको google.com खोलना है और उस पर सी क्लीनर टाइप कर दीजिए। ये फ्री सॉफ्टवेयर है दोस्तों, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, आप बहुत ही आसानी से डाउनलोड फ्री वर्जन यहाँ पे क्लिक करके डाउन सी क्लीनर डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों, इसी बेहतरीन कंप्यूटर ट्रिक्स और जानने के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई ट्रिक्स आपको तुरंत पहुंच जाएं, और बेल का बटन दबाना ना भूलें।